हमारे प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश यीशु के आलोकप्रिय विचार, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, मत्ती अध्याय 5:42। 15 वर्षों तक माइक बर्डन ने अपने छोटे से शहर में स्मरणीय वस्तुओं की दुकान में घृणा से भरी बैठकें की, लेकिन वर्ष 2012 में जब उसकी पत्नी ने उसकी भागीदारी पर सवाल उठाना शुरू किया तो उनका हृदय नरम हो गया। उसने महसूस किया कि उसके जातिवादी विचार कितने गलत थे और वह अब वह व्यक्ति नहीं होना चाहता था। उग्रवादी समूह ने उसके परिवार को उस अपार्टमेंट से बाहर निकालकर बदला लिया, जो वे उनमें से एक सदस्य से किराए पर ले रखा था। वह मदद के लिए कहा गया। हैरानी की बात है, वह एक स्थानीय काले पास्टर के पास गया जिसके साथ उसका संघर्ष हुआ था। पास्टर और उनके चर्च ने कुछ समय के लिए माइक के परिवार के लिए आवास और किराने के सामान का प्रबंध किया। जब उनसे पूछा गया कि वह मदद करने के लिए क्यों सहमत थे, तो पास्टर कैनेडी ने समझाया, यीशु मसीह ने कुछ बहुत ही अलोकप्रिय काम किए। जब मदद करने का समय आता है तो आप वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। बाद में माइक ने कैनेडी के चर्च में बोला और नफरत फैलाने में अपने हिस्से के लिए अश्वेत समुदाय से माफ़ी मांगी। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कुछ अलोकप्रिय विचारों की शिक्षा दी, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, मत्ती अध्याय 5:42-46। यह सोचने का उल्टा तरीका है परमेश्वर जिसका अनुसरण करने के लिए हमें बुलाता है। यद्यपि यह कमजोरी की तरह दिखाई देता है, यद्यपि यह कमजोरी की तरह दिखता है, यह वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य को कार्यान्वित करना है। वह जो हमें सिखाता है ही वह है जो यह उल्टा जीवन के लिए जैसा वह हमसे मांग करता है हमें जीने की शक्ति देता है। आप लोगों को जो मांगते हैं उन्हें देने के लिए और शत्रुओं से प्रेम करने के यीशु के शब्दों को कैसे जी रहे हैं? आप क्या बदलना पसंद करेंगे? आप क्या बदलना पसंद करेंगे? हे परमेश्वर, जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं वैसे मुझे दूसरों से प्यार करने में मदद करें। मुझे दिखाए कि आज मैं ऐसा कैसे करूं। लेखिका एनिसिटास। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 3 मई 2021। धन्यवाद।